ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार। ये दमदार गहरी आवाज और ठहराव वाला अंदाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुका है। दशकों तक रेडियो समाचार श्रोताओं को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करने वाले आकाशवाणी में समाचार वाचक कैडर के आखिरी स्तंभ बिहार के बेगूसराय के रामानुज प्रसाद सिंह ने 86 साल की उम्र में 22 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। रामानुज सिंह की संजीदा आवाज और बोलने की शैली ने शुरू से ही उन्हें आकाशवाणी के श्रोताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया था। वो समाचार पढ़ने की अपनी शैली के लिए श्रोताओं के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। उन्होंने आकाशवाणी में 3 दशकों तक काम किया था। आकाशवाणी में समाचार वाचक और कैडर की आखिरी चौकड़ी देवकी नंदन पांडे, विनोद कश्यप, अशोक वाजपेयी और रामानुज प्रसाद सिंह की ही रही। इनके बाद ये कैडर समाप्त हो गया और बाद में जो भी लोग आए वो समाचार वाचक अनुवादक सह समाचार वाचक यानी न्यूज रीडर ट्रांसलेटर कम न्यूज रीडर की कैटेगरी में ही आए। आकाशवाणी में रामानुज के साथ दशकों तक साथ काम कर चुके त्रिलोकी नाथ याद करते हुए बताते हैं कि शाहिद तबीयत और मस्त मिजाज वाले थे रामानुज सिंह। वो विराट सुदर्शन व्यक्ति के धनी थे और हर किसी की मदद को तैयार रहते थे। हर ओर से निराश व्यक्ति उनसे मदद आ ही जाता था। रामानुज प्रसाद सिंह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के भतीजे थे। उनका भारतीय संस्कृति और भारतीय पोशाक के प्रति जबरदस्त लगाव था। हमेशा ही सलीके से कुर्ता धोती या पजामा पहनते थे या फिर सर्दियों में बंद गले का कोट और पैंट। त्रिलोकी नाथ को याद आया कि एक दिन साथी समाचार वाचिका इंदु वाही जी ने कहा था कि अरे त्रिलोकी जी, आप लोगों ने रामानुज सिंह को जवानी के दिनों में देखा ही नहीं, एकदम फिल्मी हीरो लगते थे। हालांकि लोग उनके विराट लेकिन सौम्य सुदर्शन व्यक्तित्व के आगे सहमे से रहते थे, लेकिन उनका दिल बहुत ही सादा और प्यार भरा था। किसी ने उनको किसी के साथ भी कभी ऊंची आवाज में बात करते या बरसते नहीं देखा। साथ काम करने वालों को उनकी उपस्थिति से ज्यादा एक अभिभावक का साथ सिर के ऊपर रहने का एहसास रहता था। बुलंद आवाज, सौम्य व्यक्तित्व, सादगी से जीने वाले रामानुज सिंह अब हमारे बीच नहीं है। पूरा बिहार, पूरा देश उन्हें नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।